जल्दी जाओ जल्दी। हम फिल्म में क्लू को एक बार भूत दिख जाए तो भी शायद हमें डर न लगे, लेकिन इस फुटेज को देख के सच में डर लग रहा था, क्योंकि हमारे सफर की अभी शुरुआत हुई थी कि हमारा कैमरा 8 से 10 फुट गहरी खाई में जा गिरा। लेकिन ये करिश्मा ही था कि जब हमें हमारा कैमरा मिला तो वो एकदम ठीक था और तब हमारी जान में जान आई। स्वागत है आपका मेरे एक नए सफर में। और सावन का महीना चल रहा है और हमारी मंजिल है महादेव। इस बार हम जा रहे हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थित है उत्तराखंड के लेंस गांव से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर। और इस सफर में, इस मंजिल में रास्ते में पड़ते हैं कोटद्वार और लेंस गांव, जो कि एक टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जिसको मैं आपको दिखाऊँगा और बारी बारी से हर जगह ले जाऊंगा। और आखिर में हमारी मुलाकात होगी, हमारे दर्शन होंगे महादेव के, दर्शन करने हम पहुंच जाएंगे ताड़केश्वर महादेव मंदिर। और मेरे साथ है सृष्टि, इसे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं लिंक में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि एक अजीब सा प्रेम है ट्रेन के डिब्बों से, अपने कैमरे से और हाँ आप लोगों से। जब तक इनसे दूर रहता हूँ चैन नहीं आता, तो निकल पड़ा हूँ फिर इस बार एक ग्रुप टूर में, जिसमें मेरी मुलाकात होती है आध्या से। जो कि सिर्फ 8 साल की बच्ची है, लेकिन इसे बच्ची समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये जिम्नास्टिक प्लेयर है और साथ ही पूरे सफर के दौरान अपने टैलेंट से हमें दंग और तंग करने वाली है। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर नजीबाबाद से, जो कि एक छोटा शहर जरूर था लेकिन हमारे सफर का पहला स्टेशन भी। तो स्टेशन पहुंचकर हमें सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो थी एक कड़क चाय। तो फिर क्या था, एक कड़क चाय की तलाश में हम निकल पड़े और आ पहुँचे इस भाई की दुकान। चाय की चुस्की लेने के बाद अब बारी थी कोटद्वार जाने की, जिसके लिए हमने रोडवेज बस का सहारा लिया और 30 रुपये प्रति सवारी देकर हम चल दिए कोटद्वार की ओर, जो कि अपने सिद्ध बलि हनुमान मंदिर के लिए फेमस था। जानेंगे इस मंदिर के बारे में वीडियो में आगे जाके। घुमक्कड़ हूँ मैं, मुझे घर रास नहीं आता, निकल आया हूँ फिर बैरागी की तरह। तो हम आ चुके हैं नजीबाबाद से कोटद्वार, और कोटद्वार का ये है नजारा। और यहाँ के बाद हम लोग जाने वाले हैं लेंस डाउन। लेंस डाउन के लिए हमें ये छोटी गाड़ी मिली है, ग्लोरो मिली है, और यहाँ पर शेयरिंग पे गाड़ी मिलती है। इसका 100 रुपए किराया है पर हेड के हिसाब से। अगर आप पूरी बुक करना चाहते हैं तो 1000 रुपए में पूरी बुक होती है। और अब हम जाने वाले हैं, करने वाले हैं आगे का सफर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मजे लेंगे इसके द्वारा। कोटद्वार से भी निकले ही थे कि पता चला उत्तराखंड सरकार ने रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है बरसात को लेकर, जिसके कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी थी और कई रास्ते बह गए थे।
दोस्तों सावन से अपना पुराना नाता है, इसलिए प्रणाम की परवाह किए बगैर हम चल दिए मंजिल की ओर। ये थोड़ा रिस्की तो था क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी हुई थी, लेकिन उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। कि बरसात की बूंदों ने इस जंगल को, इस मिट्टी को, इन हवाओं को फिर से महका दिया था। एक अजीब सी सरगम थी इन हवाओं में, ऊपर वाले की बनाई हुई। एक अजीब सा आकर्षण था इन पिजाओं में। कि आखिरकार हम आ पहुंचे थे लैंस्टोन, जो कि पूरी तरह से धुंध में छुप सा गया था, मानो कह रहा हो कि आओ मुझे ढूंढ लो। दोस्तों अपने दिमाग की बत्ती तो सिर्फ चाय मिलने पे ही जलती है, तो चाय की दुकान सूंघते हुए हम आ पहुंचे यहां पर। तो दोस्तों हम आए थे लैंसडाउन में थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। हम सोच रहे थे कि यहाँ से हमें पूरा शहर दिखाई पड़ेगा, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन धुंध है तो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और हम दोनों यहाँ पर आए थे और ये सृष्टि है, ये यहाँ पर रील बना रही थी, काफी सारी रील बनाई है इसने और मुझे तो थोड़ा पागल कर दिया है रील बनाते बनाते। और हम लोग अब फिर से होटल की ओर जा रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। मजा आ रही है लेकिन पेट पूजा भी करनी है, भूख लगी है अब, तो मिलते हैं सफर में आगे। तो दोस्तों लैंसडाउन में हमारा ठिकाना है गैलेक्सी होटल रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया हुआ है। रूम काफी डिसेंट सा है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, तो अभी खाने में क्या है सब कुछ देखेंगे हम। दोस्तों बरसात का मौसम हो उस पर पराठे मिल जाए तो कहना ही क्या है। हमारे सामने है पनीर पराठा, आलू पराठा और प्याज पराठा, और हम सब बहुत भूखे हैं तो शुरू करने जा रहे हैं और पेट भरने जा रहे हैं इन पराठों के द्वारा। पेट पूजा तो हो गई लेकिन मन का क्या, वो तो मचल रहा था लैंसडाउन की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए। तो फिर क्या था, हम चल दिए इन भीगी सड़कों पर अपने अरमानों को लेकर। दोस्तों किसी ने सच्ची कहा है कि अगर आपके ग्रुप में चार औरतें हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है उनके वीडियो और पिक क्लिक करना, क्योंकि बाकी काम वो आपको नहीं करने देंगी। निकले थे लैंसडाउन घूमने के लिए लेकिन अभी तेजी से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो फंस गए हैं टीन सेट के नीचे। देखते आगे क्या होगा। तो आखिरकार बारिश से थोड़ी सी राहत मिली है और हम लोग चल दिए हैं भुल्ला ताल की ओर, जो कि लैंसडाउन में एक विजिटिंग प्लेस है
और भुल्ला ताल के बाद हम लोग जाएंगे चर्च की ओर। तो कैसा रहेगा सारी चीजें, कैसा रहेगा वहाँ का नज़ारा, वो सब वीडियो में आप आगे देखेंगे। धुंध में छुपे इन वादियों को, इन भीगी सड़कों को देखते देखते हम आ ही पहुंचे उस तिराहे पर जहां एक रास्ता जाता था भुल्ला ताल की ओर और दूसरा रास्ता टिपिन टॉप की ओर। जैसा कि हमने निश्चय किया था कि पहले हम भुल्ला ताल की ओर जाएंगे, तो हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, यानी कि भुल्ला ताल की ओर। तो बेहतरीन मौसम में धुंध के बीच हम सब आगे बढ़ते हुए, तो हसीना है इनका तो ठीक है, तुम अपने आप को हसीना कहाँ मान रही हो? सेलिब्रिटी कैसे कैसे बहम हो जाती है लोगों को, अब क्या ही कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ भुल्ला ताल और ये रास्ता है भुल्ला ताल के लिए। तो हम जा रहे हैं भुल्ला ताल की ओर, देखते हैं कि आखिर क्या है भुल्ला ताल में। हल्की हल्की पानी की बौछार गिरते हुए, कुछ लोग रेनकोट पहने हुए हैं लेकिन हम लोग ऐसे ही भागते जा रहे हैं, इसका भी अपने अलग ही मजा है। तो ये है भुल्ला ताल और यहाँ पे टिकट कटती है 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और यहाँ पर बोटिंग लूट है 150 रुपये में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है, बट यहाँ पे मौसम के कारण बंद है, तो सॉरी मैं आप हम लोग आपको दिखा नहीं सकते। तो जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी का मज़ा ले पाएंगे। भुल्ला ताल से निकल के अब हम आ गए हैं चर्च पॉइंट की ओर। तो ये रास्ता जाता है सीधे चर्च पॉइंट, इसमें आप देख सकते हैं चर्च पॉइंट, टिपिन टॉप, सनसेट पॉइंट जाने के लिए आपको ये पैदल रास्ता है अगर आप पैदल हैं, और अगर आप बाई फोर व्हीलर से हैं तो आप यहाँ से आके आगे से मुड़ के भी ऊपर जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टिपिन टॉप की तरफ। सिर्फ अच्छा देखना या अच्छे अनुभव का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि अगर आपने अपने हर अनुभव से कुछ सीखा, उसमें मुस्कुराए, उसमें रोए, उसका नाम जिंदगी है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं चर्च पॉइंट पे, और हमारे सामने है बहुत ही खूबसूरत चर्च, तो आप भी देख सकते हैं। 1985 में रॉयल इंजीनियर्स कर्नल H.B. ह्यूम द्वारा निर्मित सेंट मेरी चर्च लेंसडाउन में एक महान ऐतिहासिक स्थान है जो निश्चित रूप से आपको समय में वापस ले जाएगा। एक समय था जो उपदेश देने के लिए मशहूर है सेंट मेरी चर्च को 1947 के बाद एक संग्रहालय में बदल दिया गया था, और तब से यहाँ पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ गईं। लोगों को लेंसडाउन और गढ़वाल रेजिमेंट के इतिहास से अवगत कराने के लिए चर्च बने संग्रहालय में हर रोज कुछ स्पेशल घंटों के दौरान एक विजुअल ऑडियो प्रेजेंटेशन दी जाती है, ताकि लोग जान सकें कि क्या है इतिहास, क्या है हिस्ट्री हमारे इस चर्च की, लेंसडाउन की। तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम आ चुके हैं चर्च पॉइंट पे। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे चर्च है, और चर्च में देखने के बाद, चर्च घूमने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आगे संतोषी माता का मंदिर और टिपिन टॉप है, उस पे जाना नहीं चाहते ये लोग आगे, और मौसम भी काफी खराब है तो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग यहीं से नीचे जाएंगे मंदिर में जाके संतोष मिलता है, लेकिन ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी हम यहीं तक वीडियो बनाते हैं और सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और लास्ट में एक ही बात कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रात के बजे 9:15 और झमाझम बरसात हो रही है, पूरा दिन बरसात हुई है सिवाय 1 घंटे के, जिसमें हम लोग चर्च होके आ पाए, और पूरे दिन यहाँ पे धुंध बची रही है।